हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पर। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 का कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का वीडियो कैसा होने वाला है। एक्सरसाइज 1.3 के पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन कर चुके थे। आज 5 क्वेश्चन देखते हैं कि 5 क्वेश्चन आज कैसा होने वाला है क्लास सेवन्थ का मैथ का। चलिए आज बात करते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन के बारे में। एक्सरसाइज 1.3 का 5 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, उचित गुणों। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका गुणनफल हम लोगों को ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए में दिया हुआ है, ए क्वेश्चन में दिया है -8 × 9 + 9 × (2). इतना दिया हुआ है, इसको बोल रहा है सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए इसका हल देखते हैं। पहले इसमें जो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। 9 जो है, 9 ये 9 दोनों में है, इसको बाहर ले लेते हैं। 9 को ले लिए बाहर। अब बचा का यहाँ बचा -8, यहाँ क्या बचा +2, इतना बचा। आगे देखते हैं, 9 का 9 हो जाएगा -8 का -8 +2। फिर आगे देखेंगे 9 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, -, जुड़ेगा -10, क्या हो गया -90, 9 × 10 - 90। ये था सवाल। सवाल बोल रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए, -8 था, -9 था, +9 × -2। इसमें जो जो कॉमन मिला उसको हम लोग क्या किए, बाहर ले लिए। 9 दोनों में था, इसको बाहर निकाल दिए। फिर बच्चा यहाँ क्या, -8 बचा, प्लस है, प्लस के साथ यहाँ का बचा -2। 9 का 9 उतार दिए, -8 का -8 +-, होता है -2। 9 को 9 लिख दिए, -, जुटते हैं तो -8 और -2 हो गया -10। अब 10 और 9 को गुणा किएंगे करेंगे तो -90। ये था ए हो गया। फिर अब बी में देखते हैं बी क्या दिया हुआ है। बी बोल रहा है, बी में दिया हुआ है 26 × -48 फिर +-48 × -36। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 48 - 48, -48 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। -48 को ले लिए कॉमन। अब यहाँ क्या बचा 26, +, यहाँ क्या बचा -36 बचा। -48 का -48 लिख लिए, 26
26 अभी जस का तस हो गया, प्लस माइनस का माइनस 36, प्लस माइनस का माइनस हो गया 36, माइनस का 48 वैसे रहेगा अभी, देखिए प्लस में है या माइनस में है, प्लस में प्लस वाला संख्या छोटा है माइनस वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना का चीज में माइनस में, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 48 एकम 48 पे 1 0, 480 हो जाएगा बी का आंसर, बी हो गया। सी में देखते हैं सी क्या कह रहे हैं, बोर्ड आज थोड़ा क्लास 7 का है, सी देखते हैं, सी में दिया हुआ है 8 53 गुने माइनस का 125, मतलब या तो डायरेक्ट कॉमन लेके भी गुना कर सकते हैं या डायरेक्ट भी गुना करके सॉल्व करना है, मान ज्ञात निकलना, मान निकालना है इसमें, तो 8 53 को पहले गुना कर लेते हैं, 8 53 को गुना करेंगे तो कितना होगा, फिर माइनस 125 से उसमें गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर 8 3 24 का 4 हो गया हाथ में बच्चा, तो 8 5 40 और 2 42 गुने माइनस 125, तो 424 और 125 को गुना करना है, तो 424 ले लिए 125 ले लिए, गुना कर देंगे, अगर वैसे नहीं करना है तो इसको फिर क्या करेंगे कि 120 प्लस 5 पर तोड़ेंगे तो गुना करने में आसानी होगा, 100 प्लस 25 में तोड़ेंगे तब भी गुना करने में आसानी होगा, या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, बच्चों का 20 के 0 हाथ में बच गया, 2 5 2 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 6 20 और 2 बच्चों का 20 के 0 हाथ में बचा, 2 5 2 10 और 1, 10 और 2 12 के 2 हाथ में बचा, फिर कितना 1, बच्चों का 20 और 1 21, 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 4 1 4 2 1 2 4 1 4 0 का 0 8 2 10 का 0 4 4 8 9 1 10 का 0 8 4 12 1 13 का 3 4 1 5 कितना आ गया 53,000, कितना हो गया आंसर, ये है सी। अब डी देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 15 गुना ब्रैकेट में दे दिया है माइनस का 25, फिर गुना ब्रैकेट में माइनस का 4, फिर गुना ब्रैकेट में माइनस का 10, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं और कुछ अगर कॉमन होने लायक है तो कॉमन भी कर सकते हैं, चलिए इसको इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 15 गुने माइनस का 10, 15 गुने माइनस का 10 हो गया, बीच में कहीं गुना रहेगा, फिर यहाँ देखिए माइनस का 25, माइनस का 25 हो जाएगा, और का बचा है 10 ले लिया था गुने का माइनस 4, 15 1 15 एक पे 0 का में माइनस में गुना है तो गुना, 25 4 कितना हो जाएगा 100, 25 4 100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 4 100, 15 1 15 15 पे क्या 0 3 0 का में माइनस में, कितना हो गया सी का, अरे कितने का, था कौन था डी था, अब ई देखते हैं,
ई में दिया हुआ है माइनस का 31 गुने 102, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 31 से 102 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 31 में 102 से गुना करते हैं, 102 ले लिए उसमें 31 से गुना करना है। 2 एकम 2, 0 का 0, 1 एकम 1, 3 दूना 6, 0, 3 एकम 3, कितना आ जाएगा 2 6 1 3, 31 62, 31 62 हो जाएगा आंसर। ई था ही, एफ देखते हैं, एफ में दिया है माइनस का 57 गुणे माइनस का 19 प्लस 57, इसको गुना करना है, इसको क्या करना है, चले गुना कर लेते हैं 1957 को गुना करके, फिर ये दोनों को गुना करके इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 57 को 19 से गुना करते हैं, 9 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में कितना 6, 9 पीछे 45, 45 5 50, एक क्या हो 7 एकम 7, 5 एकम 5, 3 7 एक 8, 5 5 10, 10 83 आ गया इसका, 10 83 में 57 को जोड़ देंगे, 10 83 प्लस 57, ये दोनों गुना था गुना कर दिए और प्लस करना है 57, प्लस 57 कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 3 10 का 0, 8 5 13, 1 14 के 4, 1 1 11 40, ये था एफ। जी में है 15 98, एच में है 18 19, इजली गुना हो जाएगा। जी देखते हैं, जी में है 15 गुने 98, 98 में 15 से गुना करते हैं, 8 पचे 40 के 0, हाथ में कितना बचा 4, 9 पचे 45 और 4 कितना होता है 49, फिर 8 9 एकम 9, 0 8 8 16 17, अभी है कितना था 9 पचे 4 है ना, 9 4 13 अभी 14 70, इसका आ जाएगा 1470, नहीं ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको देखें करते क्या, ये जो जी दिया है 15, जी कितना दिया है, दिया है 15 गुणे 15 गुने 98 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 90 प्लस 8 लिख सकते हैं, 15 नवा 135, 135 पे क्या हो जाएगा 0, 15 नवा 135, अब 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 1 8 4, 12 120, जोड़ देंगे 0 का 0, 5 2 7, 3 1 4, 1 1 3 1 4 है ना, 1 14 70, ऐसे भी कर सकते हैं और जो इससे पीछे बताएं वैसे भी कर सकते हैं। एच देखते हैं, एच में दिया हुआ है माइनस का माइनस 18 गुणे माइनस का 49 दिया है, इसको भी वैसे कर सकते हैं या तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं हम 49 और 18 को गुना करेंगे यानी प्लस में आएगा, 9 8 72 के 2, हाथ में 7, 8 4 32, 32 और 7 32, 33 34 35 36 38 49 हो जाएगा 40, 9 1 9 4 1 4, 2 9 9 18 के 8, 4 3 7 1 8, कितना आ जाएगा 882 हो जाएगा
आंसर। चलिए गुना गलत हो गया था। नौ अठे 72 के दो हाथ में 7, 8 चौका 32, 7 39, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 2 9 9 18, 4 3 7 1 8, 882। सिंपली सब में गुना करना था, पचवा हो गया। क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं, छठवा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, छठा बोल रहा है कि किसी हिमनीकरण ठंडा प्रक्रिया कमरे के तापमान 40 डिग्री से पर इस प्रक्रिया से शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे के तापमान क्या होगा। बोला है कि किसी हिमनीकरण ठंडा प्रक्रिया है, उसमें पहले पढ़ के समझाते, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। बोल रहा है किसी हिमनीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 5 डिग्री प्रति सेल्सियस घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा पूछ रहा है। चलिए देखते हैं तापमान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग छान लेंगे कि सबसे पहले में कमरे का तापमान क्या था, छठा के देखते हैं पहले। सबसे पहले छठा का सॉल्यूशन हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखे, इसलिए क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, कमरे का आरंभिक तापमान क्या मान लेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कमरे का प्रारंभिक तापमान इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस कहना कि प्लस में 40 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि किसी हिमनीकरण कमरे के तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, अब उसको बढ़ाकर कितना बढ़ाकर प्रति घंटा तापमान कम होता है, बढ़ता नहीं है, प्रति घंटा तापमान माइनस पाँच डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो कम होगा के लिख लेंगे प्रति घंटा की तापमान कम होगा, प्रति घंटा तापमान कम कितना हो रहा है माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया हुआ है, वो हर एक घंटा कितना हो रहा है माइनस का 5 डिग्री घट रहा है, कम हो रहा है। तो बोल रहा है कि 10 घंटे बाद का तापमान, 10 घंटे बाद का तापमान क्या होगा, मतलब 10 घंटे बाद कमरा का तापमान कितना हो जाए। तो सबसे पहले 10 घंटे एक कमरे के तापमान इतना है, प्रति घंटा इतना कम हो रहा है, तो पहले 10 घंटा के तापमान कितना कम होगा वो निकालेंगे, उसके बाद ना पता चलेगा कि तापमान कितना होगा। तो कम निकाल लेते हैं, कम निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 घंटे बाद कमरा का तापमान कम होगा, कितना कम होगा, कम कितना हो जाएगा माइनस 5 गुने 10 डिग्री सेल्सियस, इतना कम होगा, यानी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बचे माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस कम होगा, 10 घंटा में इतना कम होगा। तो 10 घंटे बाद कितना, शुरू में कितना है
40, तो 10 घंटा बाद बोल रहा है कमरा के तापमान, तो 40 में से मतलब 50 को घटाएंगे, या 40 में 50 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, इसलिए इसलिए 10 घंटे बाद कमरा का तापमान बराबर 40 डिग्री शुरू से था, इतना कम हो गया तो कितना बचेगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा 10 घंटा के बाद कमरे के तब। बोल रहा है कि एक कोई हिमनीकरण ठंडा कमरा है जिसका प्रारंभिक तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और प्रति घंटा कितना -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। बोल रहा है कि 10 घंटे बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा, तो 10 घंटा बाद जो कमरा के 1 घंटा में -5 घट रहा है, तो 10 घंटा में घटाने के लिए 10 से -5 करेंगे, यानी इतना घट रहा है। तो बोल रहा है कि वर्तमान में 10 घंटे में कमरे का तापमान क्या होगा, तो शुरू में 40 है और घट के कितना हुआ -50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से इसको घटा देंगे यानी कमरे का तापमान कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। छठा हो गया, सातवां देखते हैं। छठा हो गया, सातवां में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए सातवां देख लेते हैं। सातवां बोल रहा है किसी परीक्षा में कुल प्रश्न 15 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं, एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक। पहले हम सॉल्व कर देते हैं अपने, पहले सरस्वती द्वारा दिए गए मैंने एक सही उत्तर के लिए कितना दिया जा रहा है 4 अंक, एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक कितना है 4, 4 अंक दिया जा रहा है सही के लिए, 4 दिया जा रहा है सही के लिए, तो उसने कितना सही किया 9 सही किए, तो 9 सही के लिए कितना हो जाएगा 9 सही उत्तर का अंक कितना हो जाएगा, एक ओके 4 दे रहा है तो 9 के लिए कितना हो जाएगा, 9 गुने 4 9 चौके 36 अंक हुआ सही प्राप्त किया, और गलत के लिए कितना दे रहे हैं, एक गलत उत्तर के लिए दिया जा रहा है माइनस का 2 अंक, एक गलत के लिए, एक गलत के लिए कितना दे रहा है -2 अंक, तो उसमें गलत 15 प्रश्न था उसमें से 9 सही कर दिया है, तो बचे कितना है, बाकी के प्रश्न कितना बचे 6 बचे, बाकी प्रश्न 15 प्रश्न थे जिसमें से 9 का उसने सही सही उत्तर दिया, उस सही उत्तर के लिए एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जा रहा है, 4 अंक दिया जा रहा है, उसने 9 उत्तर सही किए, तो 9 को लिए कितना अंक मिलेगा उसको, 9 गुणे 4 कर देंगे 9 चौका 36 अंक उसको प्राप्त हुए, तो गलत के लिए पूछ रहा है, तो गलत 9 15 में से 9 सही किया, तो गलत कितना बचा 6, तो 6 माइनस 2 कितना माइनस का 12 आ गया अंक, किसके लिए गलत के लिए, तो बोल क्या रहा है कि सरस्वती द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, 36 सही हुआ 12 गलत हुआ, तो उसके क्या करना है, इतना सही के लिए प्राप्त किया इतना के लिए, तो सरस्वती नाम के जो लड़के हैं उसका पूछ रहा है कि कितने अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक प्राप्त करेंगे 36 प्लस 12 जोड़ दो जितना आया उतना उसने प्राप्त किया, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24 अंक उसने प्राप्त किए, 24 अंक उसने
था कि नहीं। बोल क्या रहा था, क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहा है कि सभी किसी परीक्षा में प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सही के लिए 4 अंक दिया जाता है और एक गलत के लिए -2 अंक दिया जाता है। तो सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तर में केवल 9 सही है, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 7वां में 2 क्वेश्चन बोल रहा है कि सरस्वती सभी प्रश्नों के उत्तर दे देती है लेकिन 9 को सही करती है, बाकी गलत हो गया, 9 सही हुआ बाकी गलत हुआ, तो उसने कितना अंक प्राप्त किया? तो सही के लिए 4 दिया, 9 को सही की, तो 9 को सही के लिए कितना हो गया? 36। सही के लिए ही केवल उसको अंक नहीं मिला क्योंकि उसने सभी प्रश्नों को हल कर दिया था, तो सही 9 हुआ था। बाकी के जितना बचे 15 में, बाकी क्वेश्चन 6 जो बचे हुए यानी वो क्या हुआ? गलत हुआ। तो गलत के लिए -2 दिया जा रहा है, गलत के लिए -2, तो -2 को गलत के लिए अंक कितना? -12 प्राप्त हुआ। फिर बोल रहा है कि उसने कुल अंक कितना प्राप्त किया, तो कुल अंक प्राप्त क्या किया कि 3600 प्राप्त किया और फिर माइनस का 12 भी प्राप्त किया, दोनों के जोड़ देंगे तो क्या है, कुल अंक उसका प्राप्त हो जाएगा। बी में बोल रहा है कि सविता के केवल 5 उत्तर सही है और शेष गलत, तो उसने कितने, उसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए? बी बोल रहा है कि सविता जो है वह 4 सही की और 1 गलत, तो 10 गलत उत्तर के लिए मतलब उसने गलत उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त किए, यही बोल रहा है। ये था ए, बी देखते हैं, बी भी सेम इसी जैसा। बी में पहले छाप लेते हैं, उसने कितना सही किया, 1 सही उत्तर के लिए दिया जाएगा, इसमें भी 1 सही के लिए कितना दिया जाएगा? 1 सही के लिए दिया जा रहा है 4 अंक, अब 1 गलत के लिए, 1 गलत के लिए कितना दिया जा रहा है? -2 अंक। तो उसने कितना सही किया था, उसने सही कितने किए, उसने सही 5 उत्तर किया था, 5 सही के लिए कितना? 5 × 4 कर देंगे यानी 20, ये आ गया किसका? सही के लिए। अब गलत के लिए क्या होगा? 15 में से 5 सही किया, बाकी गलत कितना बचा? 10, तो 10 को -2 से गुना करेंगे, गलत के लिए उसको कितना प्राप्त हो जाएगा? -20। तब बोल रहे हैं कि सविता ने कुल अंक कितना प्राप्त किया, इसको इसको जोड़ देंगे यानी कुल अंक प्राप्त हो जाए 20 + -20 कुल है, 20 - 20 क्या आ जाएगा? 0। जैसे 1 सही के लिए 4 अंक दिया जाता था, तो 5 सही उसने की तो 20 अंक प्राप्त कर ली, और 10 गलत कर दी, तो 10 गलत कर दी तो गलत का कितना आएगा? -20, यानी उसका 1 भी नंबर नहीं आया, 0 आएगा। 7वां था ये, चलिए 8वां देखते हैं। 8वां बोल रहा है कि एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर प्रति बोरी की दर से 8 रुपया प्राप्त होती, प्रति बोरी की दर से 8 रुपये लाभ होती है, इसमें कितना क्वेश्चन? इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है, 8वां में भी 2 क्वेश्चन दिया है, पहले देख लेते हैं 8वां, जो दोनों में कॉमन होगा उसके लिए लिख लेते हैं। यूरिया पर उसको क्या होता है, यूरिया जो खाद है, यूरिया पर प्रति बोरा, यूरिया के प्रति बोरा उसे लाभ कितना होता है? 8 रुपये, ये लाभ है, 8 रुपये का लाभ होता है। डीएपी पे प्रति बोरा -5 रुपये बोरी की दर से हानि होती है, डीएपी प्रति बोरी से 5 रुपये हानि होती है, एक कॉमन चीज है जो ए बी दोनों के लिए लगेगा। यूरिया खाद के बोरा जब वो बेचता है तो प्रति बोरा उसको कितना? 8 रुपये का फायदा होता है, अगर वही डीएपी बेचता है तो प्रति बोरा उसको 5 रुपये का नुकसान होता है। तो ए में बोल रहा है कि उसने, ए में बोल रहा है कि उसने किसी महीने 2000 बोरिया का बेची,
यूरिया और 3000 बोरियन डीएपी बेची तो उसका लाभ क्या होगा? ए को देख लेते हैं पहले, उसे कितना बेचा था? देखो उसने बेचा कितना एक बोरा यूरिया बेचे पर कितना लाभ होगा? 8 रुपये प्रति बोरा, यानी क्या चीज एक बोरा पर भी कितना होगा? 8 रुपये। तो उसने यूरिया कितना बेचे हैं? यूरिया के लिए देखते हैं, यूरिया उसने यूरिया कितना बेचा? 2000 बोरी बेचा, 2000 बोरी। तो इसका 2000 बोरी का लाभ कितना हो जाएगा? 2000 × 8, एक बोरा पर 8 रुपये, यानी 2000 बोरा पर 8 रुपये, 8 × 2 = 16, 16 पे क्या है 0, 3 × 0 हो जाएगा, इतना हो गया लाभ। डीएपी बेचने पर 5 की हानि होती है, तो उसने डीएपी कितना बोरा बेचा? डीएपी बेचा 3000 बोरी, डीएपी बेचा 3000 बोरी की, ये है 3000 बोरी बेचा, तो उसको कितना घाटा हो गया? 5 के दर से 5 दिया 15000, तो उसका पूछ रहा है कि उसका लाभ कितना होगा, तो 16 में से इतना घटा देंगे, लाभ कितना हो जाएगा? 1000 लाभ हो गया। लाभ इक्वल टू क्या हो जाता है? 16000 माइनस 15000 हो गया। ये था 8वां का ए, कितना फायदा हो जाएगा? 1000 उसको लाभ हुआ। बी में क्या बोल रहा है? बी में बोल रहा है कि 32 डीएपी बेचने पर हानि, मतलब वो बोल रहा है कि बेची गई डीएपी के बोरियों की संख्या 3200 हो तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे हानि ना हो। देखते हैं, ये तो लाभ हो गया इतना, बी के लिए देखते हैं ना, ये ए बी दोनों के लिए सेम है। बी के लिए बोल रहे हैं कि 3200 डीएपी बेचने पर, मतलब डीएपी के बोरियां की संख्या इतना हो तो कंपनी को यूरिया कितनी बोरी बेचनी चाहिए ताकि उसे हानि ना हो। देख 3200 डीएपी बेचेगा, जब 3200 क्या बोल रहा है डीएपी, तो उसको हानि कितना हो रहा है? 5 की दर से हानि हो जाएगा, कितना? 5 × 10 = 0 हाथ में, 5 × 15 = 16, 16000 उसको हानि हो रहा है। ना हानि हो और ना लाभ हो तो डीएपी कितना बेचना पड़ेगा? 16000 रुपये लाभ होना चाहिए। मतलब नहीं हानि, ना हानि होने देना है ना लाभ, तो ना हानि और ना लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा? लाभ के लिए करना पड़ेगा 16000 बोरी को क्या करना पड़ेगा? जितना मतलब फायदा हो रहा है उससे क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, 16000 से 8 से भाग देंगे। हानि कितना है? 5 की दर से हो रहा है, तो लाभ करने के लिए 16000 में 8 से जब हम भाग देंगे, जितना बचेगा उतना बोरी बेचेंगे, तो ना हानि होगा ना लाभ होगा, यानी 2000 बोरियां उसको बेचने पर ना हानि होगा ना लाभ होगा। काची का बोरी डीएपी का, क्योंकि डीएपी पर हानि हो रहा है, तो 3200 इतना हानि हो गया, तो अब कितना बोरी बेचेगा कि ना हानि होगा ना लाभ होगा? तो 2000 बोरी बेचेगा तो ना हानि होगा और ना ही लाभ होगा। ये था 8वां का बी। उसके बाद देखते हैं 9वां, निम्नलिखित पूर्ण सारणी को पूरा करना है। 9वां में कुछ बॉक्स दिया गया है जिसको भरना है। आज पूरा इस एक्सरसाइज को आज खत्म कर ही देंगे। 9वां 10वां दो क्वेश्चन और हैं, 9वां देख लेते हैं जल्दी से। 9वां में बोल रहा है किसी बॉक्स को क्या करना है? गुणा सारणी को भरना है। गुणा का सारणी दिया हुआ है, उसको क्या करना है? भरना है। ऐसे हो गया, ऐसे दिया हुआ है।
ये दे दिया, क्या को दिया हुआ है, एक दो तीन चार को दिया, चार इतना दिया हुआ है, इधर का कितना है, इधर का भी चार है, एक एक दो चार, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं ताकि, चलिए देखते हैं नंबर का, सारणी में दिया हुआ है, शुरू में यहाँ दिया है एक्स, यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ दे दिया है माइनस का दो, यहाँ दिया है चार माइनस का एक, इतना दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है जीरो, फिर दिया हुआ है माइनस का तीन, फिर दिया हुआ है पाँच, मतलब गुणा करके ये सब सारणी को क्या बन रहा है, मतलब जीरो और माइनस दो को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो और चार को गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, ऐसे भरना है, जीरो और माइनस एक को गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, माइनस तीन और माइनस दो को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तीन गुणा छः हो जाएगा, माइनस तीन और चार के गुणा करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस तीन और माइनस एक गुणा करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, पाँच और माइनस दो को गुणा करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा, पाँच और चार के पाँचों का 20 हो जाएगा, पाँच और माइनस एक का माइनस पाँच हो जाएगा, ऐसे भरना था, भर दिए, बस निम्न गुणन सारणी को क्या करना था, गुणा करके भर देना था, ये था। इसमें एक और डिब्बा दिया हुआ है जिसमें रो कलम कितना दिए हुए हैं देख लेते हैं, एक और है नौवां का ही, एक और है, इसमें क्या वो डब्बा है, एक दो तीन चार पाँच गो है, एक दो तीन चार पाँच हो गया, पाँच इधर से भी क्या वो होगा, एक दो तीन चार पाँच इधर से भी, एक दो तीन पाँच हो गया, पाँच एक दो तीन चार पाँच हो गया, और इधर का देखते हैं, एक दो तीन चार पाँच हो गया, ऊपर में यहाँ एक्स या माइनस वन, यहाँ दे दिया जीरो, यहाँ दे दिया माइनस का तीन, दे दिया चार, यहाँ कितना दे दिया, यहाँ दे दिया माइनस का दो, फिर दे दिया है तीन, फिर दे दिया है जीरो, फिर दे दिया है माइनस का सात, देखो गुणा करके भर देना है, माइनस एक और दो को गुणा करेंगे प्लस का दो हो जाएगा, माइनस एक तीन को गुणा करेंगे माइनस का तीन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सात हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी चीज़ में गुणा करते हैं क्या हो जाता है, जीरो, माइनस तीन और दो को गुणा करेंगे छः हो जाएगा, माइनस तीन और तीन का गुणा करेंगे माइनस का नौ हो जाएगा, माइनस तीन और जीरो को गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस तीन और सात को गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, चार दो माइनस आठ हो जाएगा, चार और तीन को चार दिया 12 हो जाएगा, चार और जीरो जो गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, चार और सात को गुणा करेंगे माइनस 28 हो जाएगा, ये हो गया आंसर, नौवां खत्म। दसवां बोल है रिक्त स्थानों का क्या करना है, पूर्ति करना है, मिटाने वाला किधर रख लिया है यार, दसवां में रिक्त स्थान दिए हुए हैं उसको क्या करना है, पूर्ति करना है, दसवां रिक्त स्थान को क्या करें, पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ए में दिया कितने हैं, ए में दिया है माइनस का 7 गुने डॉट 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 इक्वल टू 42, यहाँ पे रिक्त स्थान है इसको गुणा करना है, मैंने 7 में का से गुणा करेंगे कि 42 आ जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे एक्स मान के, चलिए मैं एक्स मान के ये बना लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट बनाऊंगा, यहाँ एक्स मान लिया, ये हो गया 42, ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, इधर जाएगा ये तो क्या में हो जाएगा, गुणा है इधर, इधर आ जाएगा भागा में, सच्चा 42 यानी माइनस का 6, माइनस का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 42, यहाँ माइनस का 6 बढ़ जाएगा, बी बी में बोल रहा है कितना, बी बोल रहा है कि 11 गुने डॉट 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 कितना दे दिया है, माइनस का 99 दे दिया है,
11 में क्या से गुना करेंगे कि माइनस के 99 दे देगा, 99 आ जाएगा। माइनस 9 से पता चल जा रहा है, ऐसे ही पता चल जा रहा है, लेकिन एक्स मान के भी बना सकते हैं, माइनस का 99 हो गया। एक्स इधर ही है, एक गुना में उधर जाएगा भाग में, 99/11, 11 9 99, माइनस का 9 आ गया, बी हो गया। सी देखते हैं, सी में कितना दिया हुआ है, सी में दिया है -81 × 0, -81। अभी तुरंत अभी गुणन सारणी में क्या बताया कि किसी संख्या में जीरो से कितना भी संख्या कितना ही संख्या क्यों ना हो, अगर बीच में चाहे कहीं पे गुना में अगर जीरो से गुना हो गया तो सभी संख्या को वो क्या कर देता है, शून्य कर देता है। यहाँ पे जीरो है, यानी ऑटोमेटिक यहाँ जीरो भराएगा, ये तभी तो सबको गुना करके जीरो कर दिया। डी देखते हैं, डी में -8 दिया है, ।। बराबर -8, मैंने यहाँ क्या से गुना किया कि एक से गुना किया तो -8 आ गया, ये हो गया डी। ई देखते हैं, ई में है -37 गुने -37 कैसे आ जाएगा, एक से गुना करेंगे तभी तो माइनस से माइनस ही रह जाएगा, ये हो गया एफ। देखते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, -27 है, -27 गुने इसमें क्या से गुना करेंगे कि 27 आ जाएगा, तो माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 27 से कम 27। जी देखते हैं, जी कितना दिया हो, -8 करें, -8 × -9 बराबर -9 × ……। दिया ये वाला अति योग का गुना का ये क्रम में नियम बताया था, ए गुने बी बी गुने ए होता है, तो ए के जगह पर इतना है, बी के जगह पर इतना है, यानी इधर क्या होता था बी ए, तो बी के जगह पर इतना, तो ए के जगह पर -8। डायरेक्ट भी भर सकते हैं, एक्स मान के भी भर सकते हैं। एच देखते हैं, एच में खाली स्थान दे दिया है, मतलब खाली स्थान का गुना करेंगे -7 में क्या गुणा करेंगे कि -56 आ जाएगा, तो 28 × 56 हो जाएगा, 8 × 56 और माइनस का माइनस रह जाएगा, -8 नहीं कर सकते हैं क्योंकि -8 कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया। ना आई में क्या करेंगे, आई देखिए, आई कितना दिया है, आई दिया है 3 × ब्रैकेट, मतलब जो नहीं दिया है सिंपली वितरण गुण नियम, ये सब बताया गया है, वो सबसे डायरेक्ट पता चल जाता है कि जो नहीं दिया है उसको ही भरना होता है। 3 × -7 + 3 क्या बढ़ेंगे, इधर देखिए 3 भी है, इधर भी 3 है, 7 भी है, 7 भी है, प्लस क्या 51 नहीं है, यानी यहाँ पे क्या बढ़ाया जाएगा, 51 बढ़ाया जाएगा। आई हो गया, जे देखते हैं, जे में कितना दिया हुआ है, -9 में क्या गुना किया जाएगा कि जीरो, तो -9 में क्या जीरो से भी गुना कर सकते हैं, या फिर जीरो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये था एक्सरसाइज 1.3 जो कि समाप्त हो गया। अब इससे अगले वीडियो में हम लोग आगे के एक्सरसाइज देखेंगे 1.4, उसके बाद ये इंटीजर्स का क्लास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके बाद कल इसके बाद 1.4 के बाद से क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 चलेगा, उसके बाद क्लास 9, 10, मतलब सभी को एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज का वीडियो अभी चल रहा है। कारण उसकी मैं हमेशा मतलब लगातार क्लास नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारण की वजह से, फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो अपलोड हो। चलिए थैंक्स आप सभी लोगों के, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।